हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरे रोज़ के फ्लावर जो अभी बहुत टाइम बाद खिले हैं। इनको इन सब प्लांट्स को जो है मंकीज़ ने पूरा ख़राब कर दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं और एक प्लांट में जो है 6 फ्लावर हैं। तो मैं आज आपके साथ में जो शेयर करूंगी वो बता रही हूँ कि आज मैं जो अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी जो मैंने नर्सरी से परचेज़ किए थे उनका वीडियो भी बनाया था, तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये हैं वो मेरे प्लांट जो मुझे रिपोर्ट करने हैं और यही 6 प्लांट जो है मुझे रिपोर्ट करने हैं। तो उनके लिए जो मैंने सॉइल बनाई है वो है ये, इसमें जो है एक भाग जो है ये गोबर की खाद है, मतलब एक भाग से कम है, और ये मिट्टी है, मिट्टी जो है पुरानी है, पुराने पॉट्स की निकली हुई मिट्टी है, और थोड़ी सी सैंड है क्योंकि मेरे पास में जो है सैंड अवेलेबल नहीं थी, और फंजीसाइड पाउडर है, सीबिड ग्रेन्यूल्स है और राइस हस्क है। बस फ्रेंड्स, इतने से ही मैं अपनी जो है सॉइल मिक्स रेडी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सॉइल जो है मिक्स हो चुकी है, तो इसमें जो है राइस हस्क की मात्रा मैंने मिलाई है थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि राइस हस्क जो है वो बहुत अच्छा होता है और मिट्टी को जो है थोड़ा हल्का बना देता है, सॉइल जो थोड़ी हल्की हो जाती है, तो इसलिए मैंने कोकोपीट नहीं यूज़ किया है। और राइस हस्क जो है हम लोगों के यहाँ जल्दी इस टाइम पर अवेलेबल नहीं होता, तो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। मैंने जो है इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और उसके बाद में जो है मेरे जितने भी पॉट मतलब प्लांट हैं, ये जो भी प्लांट हैं ये रेड सॉइल में लगे हुए हैं एक प्लांट छोड़ के, तो इनकी जो है सॉइल मुझे रिमूव करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी सॉइल रिमूव करते हैं, उसके बाद में रिपोर्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है मेरा रोज़ का फ्लावर, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि 2 फ्लावर खिलते हैं उस टाइप में जो है फ्लावर हो रखा है, और ये ऑरेंज कलर का है, बाद में जो है ये लाइट ऑरेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद में जो है लाइट ऑरेंज और वाइट शेड में आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इसकी सॉइल जो है वो रेड है, तो इसको जो है रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसकी सबकी पॉलीथीन निकाल लेती हूँ, उसके बाद में एक प्लांट को मैं सॉइल रिमूव करके दिखाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं सबको रिपोर्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो रेड सॉइल में लगा हुआ है इसकी मैं प्लास्टिक कैसे निकाल लूँगी। वैसे मैं प्लास्टिक इस तरीके से निकालती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब इन प्लास्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में बहुत सारी जो है ये नर्सरी वाली प्लास्टिक हैं, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और इस सॉइल में जो है राइस हस्क भी मिला हुआ है, तो इसको जो है जब भी आप रेड सॉइल वाले प्लांट की जो है मिट्टी जो है निकालें, तो उनको जो है एक दिन पहले वाटरिंग डाल करना थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। पूरा इनको जो है पूरा मिट्टी जो है नहीं निकालनी है, नहीं तो प्लांट जो है सॉक में भी आ सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैं जो है इनकी पूरी सॉइल नहीं निकालूंगी, ये है कि ऑलमोस्ट जो है निकाल दूंगी, लेकिन पूरी एकदम से सॉइल इनकी नहीं निकालूंगी। तो इतनी जो है मैं रखूंगी, बस इतना सही भाग आप देख सकते हैं, इतना सही भाग रखूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स रेड सॉइल को जो है रिमूव करना है। तो इस वाले प्लांट की भी मैंने इस तरीके से रेड सॉइल निकाल दी है, और ये ऑरेंज कलर का है, इनके रूट जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं, क्योंकि इनमें जो ये जो है इंग्लिश गुलाब हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्लांट्स की जो है रूट जो है साफ़ कर ली हैं रेड सॉइल से, एकदम से नहीं करी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसको तो मैंने ऑलमोस्ट साफ कर दिया है, और इसमें देखिए कितनी सारी रूट्स हैं, और ये 2 रोज़ रखे हुए हैं। और ये जो है ओलियंडर का प्लांट है, शायद रेड या पिंक है, तो ये जो है नॉर्मल सॉइल में था, तो उसको मैंने रिमूव नहीं किया है, थोड़ी सी नीचे की सॉइल निकाली है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी प्लांट जो है एक ओलियंडर रह गया था, तो इसको भी मैंने रूट्स जो है इसकी खोल ली हैं रेड सॉइल में से, तो अब मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्ट करने के लिए एक ये पॉट है मेरे पास में, इसमें थोड़े होल छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
और कुछ जो है ये वाले नर्सरी वाले पॉट हैं जो मैं पहले लेकर आई थी, इनमें प्लांट लगे हुए थे। तो नर्सरी में जो रहते हैं वो रेड सॉइल में ही रहते हैं, वो पूना वैरायटी के प्लांट रहते हैं, तो उन वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मैं तो इसके नीचे जो है मैं राइस हस्क रखूँगी, मैं कोई भी ठीकरी वगैरह नहीं रखूँगी, मैं सिंपल राइस हस्क ही रखूँगी इसमें। तो इस तरीके से राइस हस्क डाल दिया है मैंने, और उसके बाद में मैं मिट्टी डालती जाऊँगी। इस तरीके से फिर मैं एक रोज़ का प्लांट ले लूँगी और इसको सिंपल ऐसे रख दूँगी। तो सॉइल अगर अच्छी होती है फ्रेंड्स तो प्लांट जो है किसी भी कंडीशन से आप लाएं, मतलब किसी भी कंडीशन में हो, नर्सरी में रेड सॉइल में हो या नॉर्मल सॉइल में, लेकिन प्लांट जो है अगर सॉइल अच्छी होगी, आप सॉइल अच्छी बनाएंगे तो प्लांट जो है आपके यहाँ 100% जो है फ्लावरिंग करेंगे। तो हो सके तो आप प्लांट भले ही कम रखें, लेकिन जो है सॉइल अगर आप अच्छी बनाएंगे तो आपके कुछ ही जो चंद प्लांट रहेंगे वो ही बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और आपके गार्डन को एकदम फूलों से भर देंगे। तो अगर आप बेलरन मिट्टी बनाते हैं इस तरीके से तो प्लांट जो है, मिट्टी कई तरीके से बनती है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इनमें ज़्यादा मात्रा में जो है सैंड डाल सकते हैं, लेकिन सैंड मेरे पास, मैं डालती हूँ सैंड, लेकिन मेरे पास में अभी सैंड नहीं है, और गोबर की खाद जो है हर जगह पर नहीं मिलती है, तो मुझे भी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो है मुझे मिल गई तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। सबसे बेस्ट होती है फ्रेंड्स गोबर की खाद, गोबर की खाद अगर होगी तो प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा एक प्लांट जो है रिपोर्ट हो गया है, तो अभी मैं और प्लांट रिपोर्ट करके तब आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे प्लांट्स की जो है रिपोर्टिंग हो गई है, अब इनमें जो है मैं वॉटरिंग कर दूँगी, और आप देख सकते हैं प्लांट जो है बहुत अच्छे से रिपोर्ट हो गए। और प्लांट जब भी रिपोर्ट करें फ्रेंड्स तो उनमें थोड़ा सा गैप छोड़ें, जिस तरीके से थोड़ा सा गैप होना चाहिए जिससे कि वो वाटर जो है इसमें रुक पाए। अगर पूरा एकदम फुल कर देंगे तो वाटर जो है नहीं रुकेगा और मिट्टी जो है बाहर को गिरेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।